हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल रेसिपी सूरज की दुनिया। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मस्त जबरदस्त होंगे। वार्म वेलकम होने के बाद पूजा की प्रिपरेशन, पूजा में कौन बैठा है, कैसे क्या हो रहा है, वो सब चीज़ें मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप कि आप लोग अप्रिशिएट करेंगे, प्यार देंगे और लाइक कमेंट ज़रूर करेंगे। मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ क्योंकि मैंने उस दिन मतलब उसके लिए थोड़ा सा हो रही थी चीज़ें आज सुबह। यहाँ पे सब लोग हाँ, बाहर हो गए और और मम्मी पहले ही पापा मैं बता दूँ, यहाँ पूजा पे में मम्मी बैठने के लिए पापा तैयार पूजा हैं में भाई। बैठे हुए हैं, सबका ये हाथ चाबी पकड़ बता लीजिए, नहीं, हमारी मौसी जी हैं, मैं मेरी मौसी, ये पड़ोसी, सब बहुत लोग घर घर के के बाहर बहुत आ गए। पड़ोसी जलन अभी हो हो रहा है गया इस टाइम। एंट्री। हमारी पड़ोसी हैं वो जो है, उनको यहाँ पे पुच्ची मतलब गज मौसी बोलते हैं। और ये हमारी घर की कैमरा ऑन होते भैया, पुच्ची मेरे गजब भैया, मामा देती के भाई भैया, शॉर्ट मामा में। मामा की बहू, मतलब हमारी भाभी जी, सब लोग आ चुके। छोड़ छोड़ तो सबसे पहले पंडित जी ने अंदर की पूरी प्रिपरेशन होने के बाद सबसे पहले पूरे घर को बाहर कर दिया, घर के बाहर मतलब पूजा के लिए, क्योंकि यहाँ पे मम्मी कुछ कह रही थी। और यहाँ पे जो है मम्मी और पापा पूजा में बैठ गए हैं। और मुझे अच्छा लग रहा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, क्योंकि मैंने मेरी सबसे शादी हुई तब से मैंने देखा है कि मतलब पापा जल्दी से कभी पूजा में इन्वॉल्व नहीं हो पाते हैं, उनका काम ही ऐसा है। लेकिन इस बार हमारे घर की पूजा ही हमारे बड़ों के थ्रू हो गई, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। और यहाँ पे सारे लोग घर के बाहर हैं और मम्मी पापा पूजा में बैठ गए हैं। यहाँ पे भाभी और मौसी जी सब लोग, मतलब सब लोग हैं। और यहाँ पे हम लोग सब लोग बातें भी कर रहे थे। यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई थी, तो सबसे पहले गृह प्रवेश होगा, मतलब घर के अंदर एंट्री होगी सबकी। उसके बाद फिर चाबी का रसम होगा, जो भी है। पंडित जी यहाँ पे पूजा बड़े अच्छे से करवाए थे, मतलब पूजा मतलब होने के बाद मतलब सुकून सा मिला कि नहीं चलो भाई जैसा चाह रहे थे वैसे हो गया, एट लास्ट सब कुछ चीज़ें अच्छे से हो गई। तो इससे बड़ी खुशी की और क्या बात होगी यार, मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा कोई और खुशी की बात होगी। हमारे श्याम बाबा का घर, हमारे घर पे नेम प्लेट है मेरे श्याम बाबा का, तो ये मतलब घर जो गाना नहीं, घर ये घर नहीं है मंदिर है तेरा, इस पे सदा रहे रा बसेरा, मतलब दिल का छूने वाले सॉन्ग है ये वो। सच में यहाँ पे पूजा स्टार्ट हो गई है, पंडित जी उधर से घर के अंदर थे, वो मतलब मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे, चीज़ें वगैरह बता रहे थे, और वैसे वैसे मम्मी पापा करते जा रहे थे। और हाँ एक बात और बता दूँ, जो हमने और हमारी सासू माँ ने साड़ी वेयर करके रखी है, ये हमारे मायके की तरफ से मिली है। मतलब हमारे पापा ने हम पैसे भेजे थे, उसके बाद उसके बदले में साड़ी हमें लेनी थी, क्योंकि वो वहाँ से आना थोड़ा पॉसिबल, और एक साड़ी और आई हुई थी लेकिन रक्षाबंधन पे, तो फिर मम्मी ने कहा नहीं वो मत पहनना, जो इस पूजा के पर्पज़ से ले रही हूँ उसी को पहनना, तो ठीक है कोई नहीं। फिर यहाँ पे उन्होंने भी पहनी और मैंने भी, और जल्दी जल्दी इतनी थी क्योंकि शॉर्ट नोटिस में सब कुछ हो रहा था। और पतिदेव नहीं ले पाए, पापा जो है नहीं ले पाए नया कपड़ा, तो फिर लोग जो था वही पहनने से पहना वगैरह पहना, क्योंकि पर हाँ साथ में के पहना पकड़ा दो पंडित रखो रुके रहो और दो चावल और तो ये रहा हमारे सपनों के महल की पूजा प्रिपरेशन स्टार्टिंग। ऐसे हुई कुछ बहुत सारे ड्रीम होते हैं यार इंसान की लाइफ में, कुछ तो मकसद होना चाहिए जीवन का। तो बस हाँ मुझे हमें ऐसा लगा कि एटलीस्ट प्रभु ने हमें मतलब ये मुकाम दिया है, और आगे भी बहुत सारे सपने पूरे करने हैं जो हम मिलकर पूरे कर लेंगे। बस ऐसे ही सब बड़ों का आशीर्वाद और प्रभु की कृपा बनी रहे। देखो मैं, मेरा मानना है कि लाइफ में अप्स एंड डाउन्स हर इंसान के आते हैं, लेकिन जो डर गया वो मर गया, जो जी वो कर गया, क्या कहावत है मुझे ज़्यादा नहीं पता है। पर हाँ मैं मेरी बात करूँ तो मैं कभी किसी को हर्ट करके कोई चीज़ नहीं करने का कोशिश की, अपने से यार अच्छा किया है। अब सामने वाला इसको किन किन वे में लेता है मुझे नहीं पता है, मतलब सच में नहीं पता है। तो यहाँ पे मम्मी को मेहंदी नहीं लगी थी, तो मैंने कहा भाई मम्मी मेहंदी लग गई। सच में मैंने भी खुद भी सोचा था कि मैं मेहंदी मतलब देखते आई थी बात करके, तो एक दिन पहले मेहंदी लगाऊँ, इतना काम हो गया यार, इतना काम हो गया, मेहंदी का ख्याल ही चला गया फिर उसके दिमाग से। और मतलब प्रभु की इच्छा से देखो मम्मी को लग गई यार, लेकिन लग गई।
बहनोई साहब आए हैं और हमारी बहन आई है, छोटी बहन, इसकी अभी शादी हुई रिसेंटली, मतलब नए जोड़े आए हमारे घर, ये हमारा लक न्यूली मैरिड कपल आए हैं। अरे तो हमारी प्रिय भाभी जी एकदम झूम करके लो। मम्मा पापा भी आ मेरे, अरे वाह, अरे वाह, ये चीज देखिए, मिल रहा है, वाह। आ सकते हैं पंडित जी हम लोग, आ सकते हैं अभी नहीं, पहला बोले छुट्टी है, ये हमारा लोगों का नहीं था, हमारा नहीं था, किसका है? लेकिन इसका 10% मांग रहा हूँ, चलो 10% भी मत दीजिए, लेकिन कम से कम तो यह तक्षीरा बनता है 1100 रुपया, नहीं 2100 रुपया इसका आपको करना है, ठीक है? अब हाथ जोड़ करके बोलिए, हे विप्रवर, हे विप्रवर, यह गृह, यह गृह, आप हमें अनुमति दें, अनुमति दें, हम इसमें रहें, हम इसमें रहें, हमारा सदैव कल्याण हो, हमारा सदैव कल्याण हो, वंश की उत्पत्ति हो, वंश की उत्पत्ति, बढ़ोतरी हो, बढ़ोतरी हो, हमारी आपसे यही अभिलाषा, हमारी आपसे यही अभिलाषा है, और कभी कभी धन ना घटे, धन ना, जो दरवाजे पे आए, जो दरवाजे पे आए, कभी खाली हाथ न जाने, कभी खाली हाथ न जाने, परमात्मा परमात्मा मुझे मुझे सदैव सदैव इसी काबिल बनाए रखना, इसी काबिल बनाए रखना, अपना आचरण शरणागत दीनार्थ परित्राणाम पराणे सब साथ हरे देवी नारायणी नमस्ते। अब इसे गांठ बांध दीजिए, उसी भी बांध लूंगा आज में, इस समय है उपस्थित पैसा, नल के ऊपर भी टिक लिए, खाली एक ऊपर टिक लिए, और वहां दीपक के पास महालक्ष्मी नमः, सरस्वती नमः, गणेश गणेशेना विधत पूजा स्फोट सर।
ओम कुलदेव्यै नमः, कुलदेवताभ्यो नमो नमः, यहाँ गच्छ, यहाँ तिष्ठ, अच्युतान पुष्पाण समर्पयामि। वहाँ पे छोड़ दीजिए, कुलदेवता के स्थान पे छोड़ दीजिए। सो गाइज, हमारी भाभी आई, हमारी ये प्यारी सी छोटी सी बहन आई है, इसकी अभी शादी हुई है। अभी जैसे कि मैंने पहले ही बताया, हमारे घर के गृह प्रवेश में तो बहुत अच्छा लगा, इसका वेलकम नहीं कर पाया ना। ये मेरी बहन इधर सौम्य। और यहाँ पे फिर उसके बाद स्टार्ट हुई पूजा। पूजा होने के बाद यहाँ पे भाई ने बनवाया था तोरण, और हम लोगों के दिमाग से निकल ही गया था, फूल आए थे ऑलरेडी यार, बहुत सारा फूल आया था, लेकिन टाइम की थोड़ी सी कमी थी, थोड़ी सी क्या बोलो तो बहुत सारी कमी थी। हो जाता है यार, जो करता है हमें पता है कि भाई कैसे होता है। अभी जो है बहुत ज़्यादा यहाँ पे हम लोग, मैं मतलब एक के बाद एक काम रहता था, टाइम ही नहीं मिलता था। और यहाँ पे हमारे ट्यूशन के बच्चे भी आ गए थे, मतलब बहुत अच्छा लगा, सब कोई आया, बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा खुशी हुई। और बहुत टाइम तक पूजा, मतलब आई थिंक 11 बजे से स्टार्ट हुई पूजा, शाम के 6 बज गए। अब आप लोग खुद ही सोचो, मतलब पूरा हवन वगैरह होते होते तो पूजा लंबी चली, बहुत लंबी चली। तो इसीलिए और ज़्यादा तो मम्मी पापा भी थोड़े टायर्ड हो गए थे यार, कोई भी होगा इंसान बैठ के थोड़ा सा उसको टायर्ड हो जाता है, मतलब कंटिन्यूसली उतना ज़्यादा बैठने की आदत ना हो तो। और यहाँ पे हमारे प्यारे प्यारे लड्डू गोपाल और मेरे श्याम बाबा की कृपा, मतलब भाई देखो दिल दिमाग होना चाहिए, और मेरे जीवन में इनका क्या महत्व है मैं बार बार और नहीं होते कुछ, मतलब प्रॉपरली हो रहा था, मतलब दिल खुश हो रहा था। यहाँ पे प्रशांत जो था वो हमने ही बनाया, लोगों ने और हमारी बहुत सी सोनू बनने के बाद दिल से के बाद मतलब पूजा में तो ये सब हुआ पंडित जी। लेकिन कैसे देना चाहिए, किस चीज में देना चाहिए, उसमें क्या डालना चाहिए, लाल चीनी बताइए यार, तो देंगे कैसे, किस चीज में, उसमें क्या डालना चाहिए, कैसे करके देना चाहिए, बताओ ना। चीनी ची मीठा कुछ, चीनी मतलब गुड़, हल्दी, तांबा लाल फूल और सूर्य को अर्घ्य देते समय अपने सर से ऊपर से देना चाहिए, सर के ऊपर से देना चाहिए, उनकी जो किरण की रोशनी